कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं विद्या। अपने किए का हिसाब चुकाना होगा सिंदूरा प्रताप सिंह। अभी मुश्किल भी तो नहीं है, आज के दिन आपको ये अच्छे से पता है कि आप पर पहला हमला आपकी खुद की बहन ने करवाया था, तो अब हमें करना क्या है? बस पुलिस में जाना। नहीं विद्या, तुम नहीं समझ रही हो, देखो तुम अब भी समझ नहीं पाई हो। पर आज तक वो बस्ती क्यों आई है? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो हर एक सबूत जो उनके खिलाफ था सब कुछ मिटा दिया। विद्या, ती को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, और उसके पहले वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो मैंने उनके नाम की थी, हमें सबसे पहले वो रद्द करनी होगी। उसके बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। शायद कुछ समय के लिए वो भूल गई थी कि मैं उनका भाई हूं। अब जो करना है मैं करूंगा। कैसे मिलेंगे हमें सबूत? काम इतना आसान भी तो नहीं है ना। सब कुछ हो जाएगा, वो सबूत, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है छोटी माँ, कोई खबर ही नहीं है सागर की, फोन तक नहीं किया उसने। मैंने जिन लोगों से कहा था कि वो सागर का पता लगा है, उनकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आई अब तक। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में। लाख बार मैंने मना किया था कि मत जाए विद्या से मिलने, किसी ने भी बात नहीं मानी। उस लड़की का कोई भरोसा नहीं, कहीं उसने सागर को कुछ कर दिया होगा तो क्या करेंगे? सिंदूरा बेटा, मत करो इस तरह की बातें, हमारा दिल पहले ही से डूबा जा रहा है। दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा है। कहां से लाऊं अपने भाई, कहां से? क्यों आई हूँ यहाँ? हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, आखिर मेरे चौखट पर तुमने कदम रखी थी, लेकिन क्यों? क्या लेने आई हो? मेरे भाई का है? भाई कहाँ है मेरा? बोलो ना बेटा, सागर कहाँ है? वो मिला था ना तुम्हें, गया था ना तुम्हारे पास, कहाँ है बेटा? भाभी, सिद्धा आपके पास गए थे ना, मिले नहीं आपसे? ये क्या बताएगी चिनू? मैं देती हूँ जवाब।
किसने कुछ कर दिया है सागर को, पर अब आ गई है अपना हक मांगने। बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहाँ है मेरे भाई? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग खुश नहीं है? मैं वापस आ गया हूं। आई एम बैक। सागर? हाँ। ये क्या मजाक है बेटा? क्यों, ये कैसा बर्ताव कर रहा तू? और ये तेरे कपड़े? ये कपड़े माँ, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। ये कैप, ये बैंड, ये सब कुछ ऐसे ही। प्लीज, शायद आपकी मेमोरी थोड़ी ओल्ड हो गई है। अरे प्लीज, आप लोग क्या हो गया है? मैं सागर प्रताप सिंह। चीनू, मैं सागर। चीनू, तुम्हें याद है कि मैं मिस्टर इंडिया के बारे में कैसे सिक्स मार करता? तो तुम्हें याद है ना, मैं क्रिकेट मास्टर, तुम्हें याद है ना? आप लोग प्लीज मुस्कुराओ, नहीं तो मुझे 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 रोना आ जाएगा। प्लीज देखो, प्लीज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो जो अंकल थे ना, ब्लैक बैग मोटे मोटे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके भी मुझे ले गया। मुझे मुझे बहुत मारा उन्होंने, पीछे मारा, इधर सब जगह मारा मुझे। प्लीज प्लीज मुस्कुराओ मुझे। ये लड़की ये मुझे यहाँ लाई है। ये लड़की मुझे यहाँ लाई। हाँ। दी चंद्रा दी, मैं सागर प्रताप सिंह, आपका छोटा सा क्यूट सा भाई, याद है आपको? याद है ना? वेरी गुड दी। मैं बहुत डर गया। आप मुझे नहीं मिली ना, तो मैं बहुत डर गया था। मैंने आपको बहुत मिस किया दी। ये लड़की है ना, ये मुझे यहाँ लाई है। इसको मनी दो और बोलो 9211 हो जाए। 9211 प्लीज। हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, पूरे टाइम बस ऐसे ऐसे मुंह बनाए रहती, पूरे टाइम मुझे रोते रहती। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। प्लीज इसको बोलो यहाँ से निकल जाए। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम थक गए हो ना, तुम जाकर आराम करो, मैं इसे यहाँ से भेज दूंगी। प्रॉमिस। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाता हूँ। ओके बाय। माँ, ये मैं बनारस की एक सड़क पर घायल हालत में मिले थे। हम तुरंत ही अस्पताल ले गए। पता नहीं माँ कैसे, पर फिर से उनकी वही दिमागी हालत हो गई।
ये सब क्या हो रहा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा मेरे रास्ते का हर कांटा निकल चुका है, सागर मर चुका है और फुतिया इस घर से हमेशा के लिए जा चुकी है। ये दोनों तो लौट आए अभी एक साथ। इतने बुरे हालात भी नहीं है सिंदूरा, सागर लौटा जरूर है लेकिन पागल हो गया है। उसे तो मैं जब चाहे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ, पर सबसे पहले मुझे विद्या का कुछ करना होगा। अगर मैंने उसे ज्यादा वक्त इस घर में रहने दिया तो हमेशा की तरह मेरे प्लान्स में रुकावटें आएंगी, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो खेल मैंने शुरू किया है उसे मैं ही खत्म करूंगी। क्या हुआ बेटा? मैं छुप के आपकी बातें सुन रहा था। आपने कुछ कहा जैसे आप कुछ खत्म करने वाली, तो आप क्या खत्म करने वाली बताइए ना प्लीज। देखो अगर कोई गेम है तो मैं भी खेलूं। प्लीज प्लीज आप काम काम सागर, बहुत काम पड़ा है जो मुझे खत्म करना है। तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं, बस ये घर बहुत चेंज हो गया। वैसे मेरे मेरे टॉयज कहाँ हैं? मेरे मेरे लायन, एलिफेंट, प्लेन, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। देख प्लीज ये सागर, तुम्हारे कमरे में ही होगा सब कुछ, जाकर ढूंढ लो। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। प्लीज नहीं नहीं सागर, मुझे बहुत काम है। मैं मुकेम्बो सागर प्लीज। या थैंक यू। दी, ये मेरे कमरे क्या कर रही है? क्या चूर, ये मेरे कमरे क्या कर रही है? तुम मेरे कमरे क्या कर रही हो? मेरे कपड़े चोरी करी थी? चोर, तुमने टॉय चोरी करी थी ना? तुम चलो चलो मेरे कमरे से, 9 to 11 हो, चलो निकलो मेरे कमरे से। कुछ बोलती कि नहीं, चुपचाप देख रही मेरे को, बोली ना कुछ? बोली शुक्र। चलो निकलो कमरे से बाहर, निकल बाहर, चल निकल यहां से बाहर, चल निकल। अरे सॉरी, निकल बाहर। मेरे कमरे में चोरी करी थी मेरी टॉयज, आपने कुछ नहीं बोला उसको? मैं तो टॉयज देखता हूँ, टॉयज कहाँ है? मुझे मेरे टॉयज से। अरे ये कपड़े किस अंकल के हैं? आप वैसे चॉइस अच्छी है अंकल की, लेकिन मेरे टॉयज कहाँ है? सागर मैंने तुम्हारे टॉयज संभाल के रखे हैं। आप जाओ मैं बाद में आता हूँ।
विद्या, सागर के कमरे में जा रही है। जी, देखने जा रही कि नहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं, उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, ये देखने के लिए उनका परिवार है या नहीं। ऐसे हमारे इस घर से हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया, किस हक से लौट कर आई? पहले भी कह चुके हैं हम आपसे कि हम सिर्फ अपने पति के खातिर लौट कर आए, वो वापस घर आने की हालत में नहीं थे। अकेले आने की हालत में नहीं थे, अब आ चुके हैं, अब तुम जा सकती हो। विद्या कहीं नहीं जाएगी, क्या कहीं नहीं जाएगी, क्या कहीं नहीं। हम पहले ही एक बार चुप रह के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। विद्या को घर से निकाला जा रहा था, हमें तभी नहीं चुप रहना चाहिए। हमने देखा है कि विद्या के जाने के बाद सागर का क्या हाल हो गया, इतना दुखी रहने लगा था। विद्या से हटकर सागर को कुछ सोचता ही नहीं था। और सागर बनारस गया क्यों? विद्या को लाने के लिए। अब विद्या इस घर से नहीं जाएगी। हाँ, सागर गया था विद्या को वापस लाने, और किस हाल में लौटा है ये हम सब देख चुके हैं। कहा था मैं, सबसे कहा था कि ये औरत सागर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा कर ही रहेगी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, नतीजा देख लिया। आज मेरा भाई फिर से उसी हालत में पहुंच गया है, फिर से वैसा ही लाचार हो गया। और ये सब कुछ इसी औरत ने किया है ताकि दोबारा इस घर की बागडोर अपने हाथ में ले सके। हम नहीं मानते कि विद्या ऐसा कर सकती है, और हम ये भी जानते हैं कि यहां पर किसी को इस बात पर विश्वास नहीं है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि जब सागर बीमार था तो विद्या ने उसे ठीक किया था, तो अब विद्या उसे क्यों पागल करेगी? बल्कि जब हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि सागर कहाँ है, तो विद्या ही उसे यहाँ लेके आई थी। हाँ, लेकिन अब सागर विद्या को नहीं चाहता, विद्या उसे याद तक नहीं है। पर तुम ये मानकर क्यों बैठी हो कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? सागर पहले भी इस हालत से होकर गुजरा है और ठीक हुआ है, अब भी हो सकता है। विद्या अब यहीं रहेगी। सागर के लिए और हम सारे परिवार की खुशी के लिए। हाँ, बात तो ठीक ही है, विद्या इतनी भी बुरी नहीं है। आपसे माफी मांगी, एक झूठ बोला और सबसे बड़ा झूठ अपनी जिंदगी का कि गर्भवती
हम जानते हैं आपको बहुत दर्द हुआ है इससे। भाभी कभी भी आप क्षमा कर सकेंगी? बेटा तुम जानती हो कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए। एक पल में हमने अपनी असली विद्या को भुला दिया और सिर्फ उसकी गलती देखते रहे। हमें माफ कर दो बेटा। बहुत दिनों से आपका आशीर्वाद नहीं मिला था। हाँ हाँ विद्या, बुआ जी बिल्कुल राइट कह रही हैं। मैं ट्रुथ कह रही हूँ सच में। भाभी आप आ गई हैं ना, अब इस घर में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। चलो हाँ। नहीं विद्या, तुम्हारी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। तुम्हारा ये वक्त मैं खत्म करूंगी।